जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव का, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। करोत्तक के अंदर एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं चर्चा चल पड़ी कि आप किसके चेले हो, हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम, कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने भगत कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतज़ार कर रहे थे, उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतज़ार कर रहे थे उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरु जी से। तो उनका पिता कहता है, मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मारति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवानों ने कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लूं, इन गुरुओं ने इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो। हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब एक वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिसे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं, उसके पिताजी से कहा था, वो इन्होंने बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई अवन की राख रूख बच जाती है उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था हवन होन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को फूलों को उठा करके वो दोनों भाई जज और वो फाइनेंसर इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए, ड्राइवर उनके साथ था उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके तो वो स्लोप ज़्यादा है ऐसे उस दरिया उस नहर का कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा केले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूँ, अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा, उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया, वो दूसरा भाई भी साथ में और वो भी तिरना कोई से नाव नहीं, दोनों मर गए डूब गए, वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा, उसने फोन किया, इकट्ठे हुए, तीसरा दिन लाश मिली थी वहाँ शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं देखो, परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो। और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते, तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये, आप उसके बच्चे हो या भ्रम रहे हो भटक रहे हो,
आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ इस इनके, इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली घरे अपना ये ना देश तुम्हारी, फिर पीछे पछतावगी कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सोरत शब्द समा, संख असंखों कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश, सोन सलैली गैल है गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे क्रोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक चढ़ो मैल मंजर, फेर न भवजल आइए ये सपना संसार, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है हे तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है, तेरा सुन शखर बर तारे मालिक गिर जाना है, हे तेरा सुन शखर बर तारे मालिक गिर जाना है, हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले दोले ओड पैर लेकर सोड़ा सिंगार, नाले दोले ओड पैर लेकर सोला सिंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार, मालिक गिर जान है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, है हे तेरा सुन शखर बर तार मालिक गर जान है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचार, मालिक गिर जान हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, है हे तेरा सुन शखर बर तारे मालिक गिर जान, सतगुरु मारे बाणिया है करते बणज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार, मालिक घर जाना होले होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर, ए तेरा सुन शखर बर तारे मालिक गिर जाना है, तेरा सुन शखर सुन शखर मैं सेज पिया की आस आस कर ले प्यार, सुन शखर मै सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है, होले होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर,
तेरा सुन शखर वरतार। वे सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, वहां लूटो है अजब बहार। मालिक घर जाना है ओले होले सुहागण सुरता चार। जाना है तेरा सुन शिखर बर तारे। मालिक गिर जाना है तेरा सुन शिखर बर तारे। मालिक गिर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, न जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुनात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 कट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है। उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पासे घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, इतनी वाणी बोल दी और जितना बाड़ू रेत, और इस भूले जीव के एक निहारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी वाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसके, और वो उड़ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तन मालिक घर जाना है। हमार हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा, अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक तत्वदर्शी संत जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ, और हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर और वहां से चलकर आता हूँ आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, या जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीब दास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना,
आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, अब क्या बताते हैं परमात्मा, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वोकम प्लेस, जहाँ और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसके शिखर में, उसकी टॉप में, वहाँ तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि में रहती दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहाँ परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले, अपना आत्मा सुहागण कौन होती है, जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है, कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे, वो तो कुंवारी है अभी, अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई का वाला गिरा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे, यानी मां शराब तम्बाखू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये सील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छी लगोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। नाले धोले ओढ़ पैर ले, नाना धोना क्या है, सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले, नाले धोले ओढ़ पैर ले, और कर 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे, और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग, परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाएं। लणिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले, यहाँ तो लणिहार यम के दूत है हमारे, और वहाँ सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने, तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी, जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना, वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए, अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपना आत्मा, पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनका उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का, तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, हैं ये 20 तीड़ बार लिया की, तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते, घाघरा हुआ करता भरा सा, उस पर जुगल कुर्ता एक चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहाँ घर पे ही, उन कपड़ों को सील जाते थे तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के, तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी, ये 20 अगलियाँ की, 12 पिछलियाँ की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध कर छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती, रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक,
या अगलिया की या पिछलिया की, और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने उस कातर इतनी कतर ने लीर ने कोई निकाल लेता वह गिनती ना पाई 40 तय तो रोवर पा पीटा है इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोवर बुरी तरह उन्हें पूछा क्या हो गया कि मेरी तीड़ निकाल ली इतनी थी एक कम पाई इसने का निकाल ली, वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती और फिर उसके साथ वह गठड़ी सरपद रखा इनका चाली तो ससुराल चाल, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है सियानी हो जाती है और फिर उसको ओरिजिनल तील यानी वो सेट ऑफ सूट वो ओरिजिनल तील मिलती और ओरिजिनल पति दुल्ला मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुड़िया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जीतनों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो कोठी हो बुड्ढा है पता नहीं पंखे हो कूलर हो फलाना हो जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सयाने हो जाएंगे फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं, एक बालक से ये कोई तील थोड़ी, तील था अब मिली मुझे पति तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं अब आप इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुड़िया खेल तन जन्म गंवा दिया लाया नहीं बेचार, ये संसारिक सुविधाएं यहीं इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यहीं छोड़ जाते हो, कोठी बनाई और एक दिन भी नारायण पाया मृत्यु होगी, चल 10-20 दिन या साल 2 साल 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से, वो कुत्ता बनकर उस गली में बैठता उस कोठी की छाया में और आते जाते मारन लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया हे करते बणज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु बिजनेसमैन हैं, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डांडी यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया इनका कितना ज्ञान है, बिन डांडी और बिन पालड़ा ये तोल दिया संसार इस तत्व ज्ञान से, माफ कदर दिया किसकी कितनी सचिति है किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहारे, के जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो ये कभी नहीं हो सकता, ये भूल जाना, यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं, ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका और वहाँ सथाई सटे हो।